बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में एक बार फिर फूट पड़ती नजर आ रही है। 2020 के फॉर्मूले को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने साफ कर दिया है कि हमें ये फॉर्मूला मंजूर नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए को बैठक बुलानी चाहिए। आरएलएसपी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बिहार एनडीए में सीटों के संग्राम को खत्म कराने के लिए 2020 का फॉर्मूला तैयार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा था कि बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, जबकि 13 जेडीयू, 5 एलजेपी और 2 आरएलएसपी को दी जाएगी। इस फॉर्मूले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अब शायद एनडीए में बगावत के सुर शांत हो जाएं, लेकिन इस 2020 ने तो गठबंधन में सहयोगियों के स्वर और मुखर कर दिए हैं। सीटों को लेकर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी नाराज चल रही थी कि अब उसने इस फॉर्मूले को नामंजूर कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कहा कि अगर रालोसपा की जानकारी के बिना ऐसा हुआ है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने ट्वीट कर लिखा कि यह प्रस्ताव हमें बिल्कुल अस्वीकार है। मैं एनडीए के सभी घटक दलों से मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द सभी पार्टियों की बैठक हो और सीटों के बंटवारे को लेकर एक लोकतांत्रिक चर्चा की जाए। मुझे लगता है कि रालोसपा आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू महज 2 सीटों पर सिमट गई थी, इसलिए आरएलएसपी के तेवर तल्ख हैं। पार्टी का कहना है कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने भी विरोध की आवाज उठाई थी। उन्होंने आरजेडी के साथ सियासी खीर पकाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन बाद में वो पलट गए। मगर अब 2020 के फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर आरएलएसपी के पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ऊंट किस करवट बैठता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।